जय श्री कृष्णा। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आज लेकर आए हैं, जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी साधक साधिका जो हमारे इस परिवार से, YouTube परिवार से जुड़े हुए हैं, वो इस एक बात को विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर आपके घर में किसी को भी बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है, या आपको हो जाती है, या परिवार में आपके हो जाती है, एक बात सबसे पहले आपको करनी है जो कि आपको गंभीर स्थिति में आने से बचा लेगी, और वो बात है अपने घर में कपूर का धुआं करना। हमने अभी कुछ दिन पहले ये बात कही थी साधकों को कि आप कपूर घर में जलाएं, तो एक तो मशीन आती है जिसके ऊपर आप प्लग में लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके ऊपर कपूर डाल देते हैं तो उससे पूरे घर में धुआं होता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप तवे को गर्म कर लें गैस पे, उसके बाद उतार लें और उस तवे पे आप कपूर डाल दें तो उससे भी धुआं होता है। ये जो कपूर का धुआं होता है, ये देखा गया है कि जिन लोगों की तबीयत खराब हुई शुरुआत में, जो लोग मतलब कि जो लोग साधक साधिका नहीं है लेकिन हमारी जान पहचान में है, गांव में है या शहर में, जो हमारी जान पहचान के हैं, उन्होंने ये जब काम किया कि जैसे उनके घर में किसी की तबीयत खराब हुई और उन्होंने कपूर का धुआं घर में देना शुरू कर दिया, तो विश्वास मानिए कि शुरुआत से ही जब उन्होंने धुआं लेना शुरू किया तो 3 से 4 दिन 5 दिन में उनको स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो गया, और वो उनको उतना गंभीर रोग नहीं हो पाया, मतलब संक्रमण हुआ, बीमार भी हुए लेकिन उतना ज्यादा इन्फेक्शन उनके फेफड़ों में नहीं हो पाया। वो जो कपूर का जो धुआं होता है, उस एक तो उनकी नाक खुल जाती थी, जैसे उनको लगता था भारीपन लगता था, वो धुआं करते थे तो नाक खुल जाती थी उनकी, साथ में संक्रमण उनको ज्यादा नहीं हुआ। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई साइंटिफिक कोई हमने रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, ये तो हम व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि कपूर का धुआं बहुत ही लाभ दे रहा है इस समय जिन लोगों को भी संक्रमण हो रहा है, तबीयत जिनकी खराब हो रही है, अगर वो शुरुआत से ये चीज कर रहे हैं तो वो सीरियस नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं उनका उनको इसका फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका लाभ हो रहा है। साथ में एक काम और आप शुरुआत से ही शुरू कर दीजिए कि जैसे आपको लगता है कि कफ जम गया है, खराश शुरू हो गई है और आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो शुरुआत से ही जो भाप लेते हैं आप, जो कैप्सूल आते हैं उनकी भाप, या फिर आप जो दूसरी चीज़ों की भी, अगर आप भाप घर में, बहुत सारे आयुर्वेदिक अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के भाप लेने के, तो जो भी आपका तरीका हो, भाप अगर आप शुरुआत से लेना शुरू कर देते हैं कि आपका कफ आया, आपको शुरुआत हुई और पहले दूसरे दिन से अगर आप भाप लेना शुरू कर देते हैं तो इससे भी आपको गंभीर स्थिति में जाने से आप बच रहे हैं। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो घर में भाप लेना शुरू कर देते हैं, कपूर जलाना शुरू कर देते हैं, इन लोगों को इतना आराम लगता है कि ये सीरियस नहीं हो रहे हैं, इन लोगों को ऑक्सीजन की स्थिति में नहीं जा रहे हैं कि इनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और इनको अस्पताल जाना पड़े, उस स्थिति में ये लोग नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी जो बात देखने को हमको मिली है, हमने भी यही किया था कि जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा था तो हमने पहले दिन से ही शुरुआत से ही कपूर जो, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ क्या होता है कि कपूर तो प्रतिदिन जला के और पूरे घर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कपूर और लौंग पूरे घर में घुमा के और बाहर जलाया जाता है प्रतिदिन, जैसे हमारे यहाँ पूजा समाप्त होती है, आरती समाप्त होती है तो कपूर ले जाके घुमा के हम जलाते ही है, तो कपूर का धुआं तो वैसे भी हमारे यहाँ होता रहता है हवन की वजह से। अब साथ में हमने ये शुरू, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास है तो उसमें हमने शुरुआत से चीज़ कर दी, तो जैसे हमको घबराहट होती थी कि भाई हमको घबराहट हो रही है, छाती में घबराहट हो रही है, या हमको सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है कि हमें सांस फूल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो जैसे हम कपूर जलाते थे तो हमारा जो सांस जो है बंद हो जाती है, नाक जो है वो खुल जाती थी तुरंत, पूरे घर में उसकी वातावरण जो कपूर का धुआं फैल जाता है तो जितने भी लोग कमरे में होते हैं सभी की सांस खुल जाती है। तो इस ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप कपूर जलाइए, अगर आपके घर में तबीयत खराब हो गई है तो कपूर जलाइए और भाप लेना आप शुरुआत कर दीजिए तो आप गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे। एक ही छोटा सा प्रयोग है जो आप करके अपने देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों, लगभग तो बहुत 80% लोगों के घर में किसी न किसी की तबीयत खराब हो ही रही है, और जिसको भी सर्दी हो रही है वो कोरोना पॉजिटिव जैसी ही उसको लक्षण आ रहे हैं सभी को। अब पता नहीं कि सभी के शरीर में क्या पहले से कोरोना वायरस आ चुका है और इनएक्टिव रूप में बैठा रहता है, और जैसी सर्दी होती है और वैसे ही वो हावी हो जाता है, भगवान जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ। जो लोग, एक तो हवा में फैल रहा है ये तो सही है कि हवा में फैल रहा है, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हवा में फैल रहा है तो बिल्कुल सही बात है कि 10-12-15 फीट के एरिया को वो कवर कर रहा है। जैसे कि सामने वाले घर में आपके अगर अगरबत्ती जल रही है और खुशबू आपके घर तक आ जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर के बाहर कोई अगर परफ्यूम लगा के खड़ा है तो उसकी खुशबू भी घर के अंदर तक आ जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो धुआं निकलता है अगरबत्ती का, उसके कण तो बहुत बड़े बड़े कण होते हैं, उसके बावजूद वो 15-20 फीट या 40 फीट दूर आपके घर के सामने किसी में, पड़ोस में किसी ने अगरबत्ती लगाई तो उसकी खुशबू उड़ के आपके पास आ जाती है। तो कोरोना वायरस तो उससे भी 1000 गुना छोटा होता है, बहुत बारीक होता है, तो फिर वो क्यों नहीं हवा के साथ आपके घर तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर रोड पे किसी ने भी खांसा छींका बात की उड़ाया है, उड़ गया है वो, तो वो जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू पड़ोस के यहाँ से आपके घर आ जाती है, वैसे कोरोना वायरस भी हवा में आपके घर आ सकता है। ये तो बहुत आम बात होगी, इसी वजह से भी बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो अब कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं तो बच के रहूँगा,
ये मुमकिन नहीं है जिस तरह से फैल रहा है, ये मुमकिन नहीं कि आप बच के रहें। हाँ, पूरी तरह से अगर आप घर बंद करके रखें और घर में ही रहें तो बच सकते हैं, पर अगर घर खुला हुआ है, सामने खुली जगह, तो फिर अगर हवा दिन की आप लोग आपके घर के सामने खड़े होते हैं और हवा आती जाती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको संक्रमण ना हो। किसी को भी हो सकता है, हम खुद बाहर नहीं निकलते, हमको खुद जो हमारे यहाँ पे जो बाहर में मोहल्ले वाले लोग हैं, जो लोग हैं वो कई कई दिन बीत जाते हैं, वो हमको देख भी नहीं पाते, कभी हम बाहर नहीं जाते, कभी गेट के बाहर खड़े नहीं होते, कोई भी आता है कुछ भी होता है, दूसरे लोग हैं वो पार्सल जो भी लेने आते हैं या पूजा की सामग्री जो आती जाती है वो दूसरे लोग करते हैं, हम कहीं नहीं जाते, ना बाहर निकलते, उसके बावजूद हमको संक्रमण हो गया था। उसका कारण हमको भी यही लगता है कि शायद कारण यही था कि हवा की वजह से ही हमको कहीं ना कहीं से लगा होगा, क्योंकि हम तो कहीं जाते नहीं है, और जो लोग सामान लाते ले जाते हैं वो भी हमारे संपर्क में नहीं आते, हम तो अपनी पूजा पाठ में रहते हैं, अलग ही रहते हैं, सामग्री का प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हम पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर वो अगले दिन निकलती है, मतलब कि किसी से भी सीधे सीधे संपर्क में हम नहीं आते थे, उसके बावजूद हमारी तबीयत खराब हो गई, तो ये चीज हो रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी तबीयत खराब होती किसी की भी, तो आप शुरुआत से ही घर में कपूर का धुआं और भांप लेना आप शुरुआत में से ही शुरू कर दें, तो इससे काफी हद तक लाभ मिलता है। अभी तक के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।